मान व सम्मान के योग्य सभी खापों के प्रधान, सभी किसान संगठन, सभी खापों के सेक्रेटरी मेरे सामने बैठे, मेरे बुजुर्गों, माताओं बहनों, छोटे छोटे बच्चों, सबसे पहले तो मैं अपनी माताओं बहनों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि कल इतनी हजारों की संख्या में आके हमारे धरने को मजबूती दी। और जब से ये ढासा बॉर्डर धरना चला, मेरी माताओं बहनों का शुरू दिन से ही बहुत ज्यादा यहाँ पर योगदान रहा है, संघर्ष रहा है, घर के काम को भी संभालती हैं, तो इनकी हाजिरी तो और भी चार गुना बढ़ जाती है। और जब अब गर्मी आ गई तो किसान ने तो हर एक मौसम में अपने खेत में काम करे है 12 के 12 महीने, तो किसान गर्मी और सर्दी को नहीं मानता। हम मोदी सरकार को बताना चाहते हैं कि भाई जमीन की लड़ाई है, चाहे और भी इससे भी अगली गर्मी आ जाए, हम ऐसे ही बैठे रहेंगे और शांतिपूर्वक जब तक स्वामीनाथन रिपोर्ट नहीं लग जाती, हमारा किसान और मजदूर संगठन इतना मजबूत है, बैठा रहेगा और इस लड़ाई को जीत कर ही अपने घर जाएगा। और बुजुर्ग नौजवान साथियों, आपके मार्गदर्शन में इतने ज्यादा और इतना शांतिपूर्वक आंदोलन, मैं तो बोलता हूँ कि भाई और भी ज्यादा अपने थोड़े दिन की बात रहेगी, हिम्मत मार लियो। ये सोचे भाई लामणी आ जाएंगी, इनने ये नहीं पता कि भाई किसानों ने अपनी पहले रणनीति बना ली है कि भाई लामणी में बारी बारी अपनी फसल भी काटेंगे और यहाँ पर भी हाजिरी पहले से भी ज्यादा बढ़ेगी। तो ये मैं बोलना चाहूंगा कि भाई घने दिन की बात नहीं रह रही, आप पक्के जीतोगे और ऐसे ही लगे रहो। और जहां तक मैं बात करूं, आप प्रजातंत्र को भी बचाने का काम कर रहे हो, क्योंकि आज के दिन तानाशाही चल रही है बिल्कुल, आप यही देख लो। एक इनके गाने गाया करता भाई रॉकी मित्तल, पहले इनके गाने गाया करता जब ताई बटाई मारी जब ताई ठीक है, अब उसको ही अंदर उसको FIR कर दी, जो इनके खिलाफ बोल रहे उनको उसको FIR कर देंगे, ये तो बिल्कुल तानाशाही चल रही है। आप लोगों को मैं बधाई देता हूँ कि ऐसे समय में भी आप मजबूती के साथ अपनी जमीन को बचाने के लिए जो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हो, आपका इतिहास में नाम लिखा जाएगा। और ऐसे ही जमे रहो, जीत पक्की होगी। जय जवान, जय किसान।